नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन येलो टैब के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी डोज के बारे में, एमआरपी के बारे में, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूंगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों येलो टैब मेडिसिन होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 25 ग्राम के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो 135 रुपये इस पर एमआरपी आती है, और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है लॉर्ड्स, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों आप में से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, जो लैटिन है वो 2-3 दिन में एक बार आती है, और लैटिन लाने के लिए आपको कई बार बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कुछ लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ लोग चूरन खा लेते हैं, कुछ तरह तरह के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लैटिन है वह जब तक तो ठीक आती है जब तक उस दवाई का असर रहता है या जब तक आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वैसे ही हाल हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के वजह से जो आपका पेट है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा चढ़ा सा महसूस होता है, आपको उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन की स्थिति रहती है, कई बार उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है, एंजाइटी की परेशानी देखने को मिलती है, और जो भूख है वह लगती ही नहीं, या लगती भी है तो एक या दो रोटी आप मुश्किल से खा पाते हैं। दोस्तों आप में से अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों जिन लोगों में अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है, कभी तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जो लैटिन है वो 2-3 दिन में एक बार आती है, कई बार उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है जो लैटिन है वो 1 दिन में 4-5 बार 6 बार कई बार उनको जाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल रही है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है हार्ट स्टूल। दोस्तों जिन लोगों में हार्ट स्टूल की प्रॉब्लम होती है, जो लैटिन में बहुत ज़्यादा टाइट आती है, लैटिन को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाने की वजह से जो लैटिन का रास्ता है वो कई बार छिल जाता है, इरिटेशन सा होता है या उसमें जलन होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके इसके बारे में तो दोस्तों जो लोग लैटिन लाने के लिए एनीमा का प्रयोग करते हैं, लैटिन नहीं आती, एनीमा के द्वारा वो लैटिन उनकी आती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट स्टूल। दोस्तों जो लोग लैटिन करके आते हैं, लैटिन करके आ जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी जो लैटिन है वो कहीं ना कहीं एनेस्थीजन में अटकी हुई है, या उनको ऐसा लगता है कि अभी वो ठीक से फ्रेश नहीं हुए हैं, वो ठीक से लैटिन नहीं करके आए, फिर वह दोबारा जाते हैं, और ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले उसके बारे में तो दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है जो आंतों में बोबल होते हैं, बोबल मूवमेंट होते हैं, उनको ये ठीक करती है, जिसकी वजह से जो लैटिन है वो ठीक से आ जाती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जब तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपकी जो स्थिति है वह ठीक रहेगी, जैसे ही आप इस मेडिसिन को छोड़ेंगे तो आपकी जो स्थिति है वो फिर वैसी हो जाएगी। ये जो मेडिसिन है आपको पूरी तरीके से परमानेंट ठीक करती है। अगर आप इस मेडिसिन का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है फिनोलपैथिलिन। दोस्तों फिनोलपैथिलिन मेडिसिन होती है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी को सालों पुरानी कब्ज है या फिर नई कब्ज है तो उसको ठीक करने का जो काम होता है वो फिनोलपैथिलिन जो मेडिसिन होती है वो करती है। और बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है सेना। दोस्तों सेना मेडिसिन होती है, ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन की। दोस्तों होम्योपैथी में जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, खासकर जो होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं येलो टैब, दोस्तों येलो टैब मेडिसिन अलग अलग कंपनियाँ इसको इसी नाम से बनाती हैं, लेकिन कुछ जो कंपनियाँ उनमें कॉम्बिनेशन थोड़ा सेम है और कुछ में अलग है, लेकिन जो सेना मेडिसिन है ये अधिकतर जो मेडिसिन आती है उनमें देखने को मिलती है, तो कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। सालों पुरानी कब्ज को भी ये बड़ी आसानी के साथ ठीक कर देती है। किसी को हार्ट स्टूल की परेशानी उसको ठीक करती है, बोबल मूवमेंट को ठीक करने का काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है सल्फर। दोस्तों सल्फर मेडिसिन होती है अगर किसी को एनएस का जो रास्ता है उस पर ईचिंग की परेशानी रहती है, खुजली की परेशानी रहती है,
या किसी को हेमरॉइड्स की शिकायत हो जाती है, लैट्रिन में खून आने की परेशानी रहती है, या जो लैट्रिन है किसी को अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में जो सल्फर मेडिसिन होती है उसको ठीक करने का काम करती है। तो उससे कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज एडल्ट में, तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 2 गोली रात को सोते समय आपको रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो दोस्तों 1 गोली रात को सोते समय बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर बात करें जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है तो वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, जो कब्ज है वो कितने भी सालों पुरानी है, या फिर कब्ज के लिए आप बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं, बहुत सारे चूर्ण खा चुके हैं, लेकिन जो आपकी जो परेशानी वह ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।